नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान, और आज हम बात करेंगे फानी के कहर को लेकर। चक्रवाती तूफान फानी आज सुबह ओडिशा में पुरी के तट से टकराया, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जिस वक्त तूफान तट से टकराया, उस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। कुछ स्थानों पर यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा, और अब यह तूफान बंगाल की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यह बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे में पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। सबसे ज्यादा इसी राज्य को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 20 साल में उड़ीसा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान है। तटीय इलाकों में हर जगह तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो फानी तूफान कहर ढा सकता है, यह भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कहां कहां आएगा यह जलजला, किसको कैसे और कितना प्रभावित करेगा, इससे कैसे बचाव करें, इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों की राय भी इस मसले में काफी अहम हो जाती है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। चक्रवात फैनी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कोलकाता जैसे तटवर्ती इलाकों के अलावा अब उत्तर प्रदेश में भी कहर ढा सकता है। मौसम विभाग के माने तो उसने चेतावनी जारी की है कि इन दो दिनों में उत्तर प्रदेश समेत अनेक बड़े राज्यों में कई इलाकों में फैनी के कारण बारिश भी हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल तबाह हो सकती है। दूसरी ओर फैनी के बेहद तीव्र होने की आशंका है, जिस कारण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो इसका असर ज्यादा दिखेगा, लेकिन उत्तर भारत के अन्य राज्य भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। उड़ीसा में आए फैनी तूफान का असर गुरुवार की देर शाम पूर्वांचल तक पहुंच गया। चंदौली में शाम 6 से 7 बजे के बीच आई तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। यहां बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया। ट्रांसफार्मर बिजली के तार टूटकर जमीन पर आ गिरे, जिससे दर्जनों गांव की बिजली गुल हो गई। वहीं सोनभद्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से चक्रवाती तूफान फैनी का असर यूपी के राजधानी के लखनऊ सहित बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, सीतापुर और आसपास के कई इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। चक्रवाती तूफान फैनी के पिछले कुछ दिनों में अरब सागर से सटे इलाकों में तूफान और बारिश लेकर आने की आशंका लगातार जताई जा रही है। इसके साथ ही 3 मई को भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में आंधी पानी के आसार हैं, जबकि 4 मई को साउथ यूपी को छोड़कर पूरे प्रदेश में आंधी पानी की भारी संभावना जताई गई है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सुबह बोलेगा में आज मसला काफी अहम उठाया गया है, क्योंकि फानी तूफान को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, कई रेल की यात्राएं भी ठप होती नजर आ रही हैं, इनकी ट्रेनों की रफ्तार भी थमती नजर आ रही है, और इसको लेकर काफी आम जनता में कौतूहल का एक विषय भी बना हुआ है। अगर देखा जाए तो वाकई इसको लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये इसको लेकर दर्शक अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चक्रवात
फानी तूफान का घातक असर दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ में भी मौसम ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार तेज आंधी और बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। किसानों ने अपनी फसल को काटकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। केएनयू संवाददाता ने जायजा लिया। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से फैनी तूफान जो है बनता जा रहा है और लगातार जो है अब ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, वहां पर भी इनका असर देखने को मिलेगा। इस वक्त हम लखनऊ में खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार खेतों में जो फसल है खड़ी वो लगातार तेज तेज हिल रही है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तेज हवाओं का दौर जारी है और जिस तरीके से तूफान यहाँ पर अपना असर दिखा रहा है, शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकता है, आवागमन बाधित हो सकता है। उसके अलावा जो गांव हैं, गांव में जो टीन के मकान होते हैं, जो कच्चे मकान भी होते हैं, उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो लगातार यही चेतावनी दी जा रही है कि गांव वाले जो हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और अपने घरों को सुरक्षित रखें। इसके अलावा जो खेतों की बात करें तो अभी इस वक्त गेहूं की कटाई का सीजन है और फसल जो है लगातार काट के किसान जो है वहां रख रहे हैं अपने खेतों में, तो फसल कहीं उड़ ना जाए, उसको सुरक्षित स्थान पर कटी हुई फसल को भी पहुंचाएं। तमाम इस तरीके की जो चेतावनी है वो लगातार मौसम विभाग भी दे रहा है, तो बेहद जरूरी है इस वक्त आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें और बिल्कुल भी ऐसी जगह पे ना जाएं, खुली जगह पे ना जाएं जहां पर इस तूफान का जो असर है वो ज्यादा हो। कैमरा पर्सन अंकित शुक्ला के साथ स्निग्धा रितेश, के न्यूज लखनऊ। बिल्कुल, किसानों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है और जिस तरीके से फानी तूफान को लेकर एक कौतूहल मचा हुआ है, आम जनता को क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए इसको लेकर भी दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। नौशाद खान है, मौसम वैज्ञानिक है, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही रेडक्रॉस सोसाइटी और एक्स चीफ वार्डन सिविल डिफेंस से हमारे साथ हैं आर के सफर जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत राज सिंह है, महानिदेशक है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के और साइंस पर्यावरण विद मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आपके पास आते हैं भरत राज जी, दरअसल आपसे ये जानना चाहेंगे फानी है क्या, इसका जवाब लें। इससे पहले एक दर्शक कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय रख सकते हैं, साथ ही अपना नाम बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आंधी तूफान कौशाम्बी में भी धीरे धीरे आ रहा है जी, इससे बड़ी कि किसानों को नुकसान पहुँचने की चल रही है, क्योंकि किसानों का जो अभी गेहूँ खड़ा हुआ है खेतों पर उससे बारिश से काफी नुकसान होगा और जो गेहूं कटकर बांधे वो उनको भी नुकसान होगा, इसलिए किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, किसानों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये जरूर मौसम वैज्ञानिक से जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहराइच से हमारे साथ अब्दुल राशिद एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं जी। राशिद जी टीवी को वॉल्यूम धीमा कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए जी। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार मैडम, मैं ये कह रहा था, एक तो ये आप कह रहे हैं ना कि ये बहुत ही शानदार चैनल है, एकदम बिल्कुल बढ़िया खबर दिखाते हैं, दिखाती हैं आप जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए जी। आपके पास आएंगे भरत राज जी, दरअसल ये फानी है क्या, और फानी देखिए ये समुद्र में जो इस समय समुद्र की सतह बढ़ रही है उससे एरिया बढ़ने की वजह से जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उसमें एक प्रेशर ड्राप काफ़ी हो जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ये चक्रवाती तूफान अक्सर आया करते हैं, लेकिन चूंकि लगातार ये पर्यावरण के कारण जो डिस्टर्ब हुआ है उसके कारण आप देखें कि जो अंटार्कटिक सी या उत्तरी ध्रुव कह लें वहां की बर्फ पिघल रही है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है, उत्तरी ध्रुव की बर्फ जो है करीब करीब 2012 में एक तिहाई हो चुकी थी, अब तो आधे से ज्यादा पिघल चुकी है। तो इसका मुख्य कारण यही कि जो सरफेस है वाटर
बढ़ जाने से उसके सतह भले ही उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक फिट जो भी मतलब इसका रेशियो सेंटीमीटर में है लेकिन पॉइंट कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पानी की सतह बढ़ने से वो कवर्ड एरिया ज्यादा हो जाने से इसमें आपका वाष्पीकरण बढ़ रहा है जी। और वाष्पीकरण बढ़ने से इनमें तमाम मौसम में परिवर्तन दिख रहे हैं और जहां भी प्रेशर ड्राप ऐसा हो जाता है एक चक्रवात के तरीके से ये चल पड़ता है, लेकिन यही असर आप देखें मैदानी इलाकों में जहां पृथ्वी है सॉयल है उस पर आप देखें जंगलों की कटाई और कार्बन जो आपका प्रदूषण का इसमें गाड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जिनके कारण आपका ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पृथ्वी की लगातार इसमें तापमान में वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि यही नहीं रुक रही है। अगर इसको हम समय से अभी चेत नहीं पा रहे हैं जितना करना चाहिए, इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जरूर जाकर पेरिस समिति में अपनी बात रखी कि हम 2% कार्बन घटाएंगे और पूरा विश्व उनको देख रहा है और हमारे यहाँ प्रयास भी चल रहा है और उसका प्रयास इतना हुआ है कि देखिए हम सोलर पर तीसरी फास्टेस्ट कंट्री हो गए हैं और सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब अगर पूरे विश्व में सभी लोग इस पे अपना भागीदारी करेंगे तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, अमेरिका तो 2012 से ही इस पर भीषण तूफानों से चल पड़ा, सैंडी तूफान आया, उस सैंडी तूफान ने पहली बार वहां पर लोगों को यह दर्शा दिया कि तीन न्यूयॉर्क में टकराया और 3 लाख से 4 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा। मेरी एक किताब है जो कि क्रोशिया में छपी हुई है, उसमें मैंने लिखा था करीब 1 साल पहले लिखा था उस सैंडी तूफान के कि ये मेजर चलिए कुल मिलाकर आपको ये मानना है भरत राजजी की अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे फैनी या फानी तूफान से चक्रवाती तूफान से बचा जा सकता है। आपके पास आते हैं आरके सफर जी, अगर देखा जाए तो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, 4 राज्य जो हैं वो दहशत के माहौल में हैं और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी इसकी जद में नजर आ रहे हैं। एक विकल्प आरके सफर जी, देखिए हम सब लोग निश्चित तौर से इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए भी हैं क्योंकि ये तूफान हमारे जान माल की के लिए खतरा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा होता है, इससे बहुत सी चीजें बर्बाद होती हैं और हम लोग काफी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब जब ये चीजें आ जा रही हैं तो इससे बचा कैसे जाए, सवाल इस बात का है। जब बचने के लिए जो सबसे अच्छा है सुरक्षित, क्योंकि यहाँ भी कानपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके माने यहाँ पर जो ऊपर पोल लगे हुए हैं या बोर्ड लगे हुए हैं सड़क के किनारे किनारे वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, उम्मीद नहीं है कि वो 30-40 किलोमीटर की रफ्तार की हवा को सहेंगे। तो मेरा यहाँ के लोगों से एक ही अनुरोध है कि कृपया करके वो यहाँ पर जब भी ऐसी तेज हवाएं चलें सुरक्षित स्थान पर रहें, अपने घरों में रहें, और यदि वो सड़क पे हैं और तेज रफ्तार ऐसी आ रही है तो निश्चित तौर से कोई पार्क या ऐसा कोई स्थान देख लें जहां की कोई भी चीज के ऊपर उनको खतरा नहीं हो, क्योंकि अमूमन छतें उड़ जा रही हैं, टीन की छतें उड़ के आ रही हैं, तो पता नहीं कब कहां कैसे आदमी आते हैं। सर आपके पास एक दर्शक हमारे साथ बिहार से किशन कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं किशन कुमार जी। हेलो जी किशन कुमार जी, अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं किशन कुमार बोल रहा हूँ सीतामढ़ी से। जी कहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि ऐसा आपने जो ये निर्णय लिया है कि कोई भी दर्शक कॉल कर सकता है, इसके लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया। और आपकी न्यूज चैनल भी काफी अच्छे से काम कर रही है, इसके लिए आपको शुभकामना देना चाह रहा हूँ। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप कौशाम्बी से एक दर्शक आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं। थैंक्स, मैं आकाश मिश्रा बोल रहा हूँ कौशाम्बी से। जी
आपके तमाम चैनलों पे महानिदेशक मौसम वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं जी। मेरी राय क्या है कि मैं ये जो किसानों की समस्या है बरसात से बारिश से किसानों का जो गेहूं खड़ा वो काफी नुकसान हो जाएगा और जो खंबे और लाइट रहते हैं आंधी तूफान से गिरने लगते हैं और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ किसानों को जो समस्या इसके लिए मौसम वैज्ञानिक और महानिदेशक मौसम विभाग से पूछना चाहिए किसानों के लिए ये कैसे आप राय थोड़ा दे दें कि क्या करें किसान इसमें क्योंकि उनका गेहूं और भूसा जो है वो बड़ी दिक्कत में आ जाता है क्योंकि किसान इतने दिन से फसल रखता है उसके बाद काटता है बारिश हो जाती तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है। बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आते हैं नौशाद खान जी। किसानों की एक गंभीर समस्या, अभी लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा था, कभी शॉर्ट सर्किट से किसी तरह आग लग जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है और अब ये चक्रवाती तूफान का कहर जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में, तो किसान कैसे अपनी फसल को सेव कर सकता है? देखिए ये निश्चित तौर से ये किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी है और जैसा कि चलिए आते हैं सर आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एहतियात के तौर पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं फानी के कहर को लेकर, जिसको लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस दौरान क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए इसको लेकर दर्शकों की राय भी काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। आपके पास आते हैं नौशाद खान जी। जैसे कि दर्शक लगातार जुड़ रहे थे, उनका भी सवाल था किसानों के लिए एक बेहद ही समस्या खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा कोई जलजला या ऐसा कोई तूफान आता है तो किसान किस तरीके की एहतियात बरते? देखिए निश्चित तौर से ये जो फैनी तूफान है इससे जहाँ एक तरफ जनमानस प्रभावित हो रहा है वहीं इसमें कृषि पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, खास तौर से हमारी जो फसलें हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पशु हैं वो भी प्रभावित होंगे। और अगर हम फसलों की बात करें तो मुख्य फसल खास तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश या जहाँ जहाँ इसका असर जिन प्रदेशों में है, गेहूं की फसल वर्तमान में खड़ी हुई है और गेहूं की फसल को इस तूफान से बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि या तो फसल खेतों में खड़ी हुई है या फिर कटी हुई है या फिर खलिहान में पड़ी हुई है। किसान भाइयों को सलाह ये है कि वो या तो चूंकि आज और कल इसका असर ज़्यादा रहेगा तो वो अपनी गेहूं की फसल जो खेतों में खड़ी हुई है उसकी कटाई न करें और जो खलिहान में है उसको शीघ्र ही मतलब जो है उसकी थ्रेशिंग करके और उसको समुचित स्थान पर उसको भंडारण कर लें। बिल्कुल, जिससे वो तो गेहूं बचाया जा सकता है। आते हैं सर आपके पास कर्नाटक से, हमारे साथ एक दर्शक मुर्तजा जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं मुर्तजा जी। मुर्तजा जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, कहिए। ये जो जो आप ना जी हमारे बदामल छूटे आ रही है, हाँ हमें चाहिए कि हमारे अंदर इंसानियत आए। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। झारखंड से एक दर्शक एस के सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं एस के सिंह जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरा कहना है जो आप जो मैं आपका चैनल देख रहा हूँ जिसमें आप जो दिखा रही हैं, अभी हमारे मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन लोगों से जरा सा एक गुजारिश रहेगी कि जो टेक्निकल, देखिए हर एक व्यक्ति तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम आप टेक्निकली दिखाइए कि साइक्लोन जो है इसे किस डायरेक्शन में, किस स्थिति में, कितने प्रेशर के साथ, कितना वॉल्यूम में और किस डायरेक्शन में किधर भागता है, किस समय कितना जाता है, किधर जाता है, उसको टेक्निकली दिखाने के लिए जरा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आते हैं भरत राज जी। अगर कोई भी चक्रवाती तूफान का जो केंद्र बिंदु होता है, अगर केंद्र बिंदु से उसकी रफ्तार की बात करें तो एक नॉर्मल जो रफ्तार होती है वो कितनी होती है और कितने नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए इस समय जो ये एक्सपेक्ट किया
हाँ, ये जो आपका 200 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से है और चक्रवात के सर्कल जो बन रही है, ये अभी आपको उड़ीसा में ये टकरा गया, तो ये जहां भी इस तरीके की, देखिए समुद्र है, समुद्र से जो चीज लहरें चल रही हैं और उस चक्रवात के कारण उस पर घूम रही हैं, वो कहीं न कहीं के पृथ्वी के पोर्शन पे जहां टकराएंगी उसकी गति धीमी होगी जरूर। उसके बाद ये टकरा कर आगे वेस्ट बंगाल और ये जैसा कि कलकत्ता और इन सब पर जाकर के ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जब आप देख रहे हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा चक्रवात कितने सर्किल में घूम रहा है, इसकी कल्पना देखिए कि ये इसका असर आपने देखा 2-3 दिन पहले से ही आपको उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हवा का आभास होने लगा मॉर्निंग में आप देखें, तो ये आपकी सर्किल जो है ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश यहाँ कलकत्ता और इसके डिस्टेंस आप जो ले हजारों किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हैं, 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उसका असर यहाँ हो रहा है, तो आप उसकी सर्किल के वो समझ सकते हैं कि कितना गति में है। अब रही बात अभी तेज गति में आते हैं सर, आपके पास हरजिंदर नगर से दर्शित आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले जान लेते हैं। आलम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, ये चक्रवर्ती तूफान जो है आया हुआ है जी, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी हल्का तो दिखाई पड़ ही रहा है, तो इसका इसमें बचाव जो बचाव प्रक्रिया लोग बता रहे हैं उस पर तो अमल लोग कर रहे हैं, जहाँ तक खेत खलिहान की बात है उसका भी किया जा रहा है पहले, लेकिन ये बातें नहीं पता चलती थी, अब आदमी जागरूकता हो गई है कि पता चल जा रहा है। पिछले 40 साल पहले मैं इसी तूफान में उड़ गया था, 1 किलोमीटर दूर जा गिरा था, ऐसे एक तूफान था और लोगों किसान के बंधे हुए के बोझ, बिल्कुल एहतियात क्या बरतनी चाहिए ये जरूरी हो जाता है। शुक्रिया। बिहार से एक दर्शक हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं। जी मेरा एक सुझाव है जी, कि संत गोपाल दास का इंटरव्यू लिया जाए आपके चैनल पे। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आते हैं भरत राज जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी जी, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए ये स्थिति आज ही नहीं, आप इसको आप देखें पीछे, आप 2014-15 से ले लें, आपके पास हुदहुद आया, आपके पास नीलोफर आया, फैलीन आया, तूफान आए, अभी पिछले वर्ष ही आपने देखा कोची के पास कितना भयंकर समुद्री तूफान, कितनी बारिश हुई, तो ये हमें हिट कर रहा, भारत बस 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, ये इफेक्टेड है अमेरिका, और ये तो चलिए अमेरिका का तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने से वहां ये कहर हर हमेशा बर्फ रहे, हर दूसरे तीसरे महीने वहां आ ही रहा, लेकिन वो लोग संपन्न हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने को खड़ा कर लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी स्थिति हो रही है, फसल इस समय खड़ी हुई है, जैसी सलाह अभी उन्होंने नौशाद जी ने दिया सही है कि इसको अभी कटाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पड़ी हुई फसल है उसको सुरक्षित कैसे किसान कर सकते, कोई वेट नहीं रख सकते, कोई चीज आते हैं सर आपके पास दर्शक तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उराई से रामेश्वर जी स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। आकस्मिक चाहते मैम कि तो एक प्राकृतिक आपदा है, अब इसको सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का नुकसान हुआ है किसानों का, उनकी भरपाई करे। बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मेरठ से एक दर्शक उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम, मैं मेरठ से बोल रहा था जी। मैं ये कहना चाह रहा था फैनी के कहर के लिए कि पब्लिक को घर के बाहर कम से कम निकलना चाहिए और ध्यान पूर्वक निकलना चाहिए, और गवर्नमेंट को किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए जिससे उनका नुकसान की भरपाई हो सके। बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लगातार इस मसले पर दर्शकों की राय भी अहम हो जाती है और आगे जानेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस बनती है जिन पर चक्रवाती तूफान आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक दर्शक मुरादाबाद से जुहैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं जुहैर जी। मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ यूपी में कितना असर दिखेगा इसका? बिल्कुल इस बात का जवाब हम जरूर लेंगे, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके पास आएंगे नौशाद जी, यूपी में क्योंकि लगातार चार राज्यों के साथ साथ वहां पर कहर देखने को मिल रहा है, हालांकि आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो खतरा वहां पर टलता नजर आ रहा है, लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना असर यहां पर नजर आने वाला है? देखिए मैम, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग में इसका उत्तरी और पूर्वी भाग में इसका असर ज्यादा रहेगा, और जो दक्षिणी भाग है जैसे बुंदेलखंड एरिया है यहाँ इसका असर बिल्कुल भी नहीं है, और ये मध्य भाग में भी इसका असर है लेकिन पूर्वी और उत्तरी भाग की तुलना में कम है। तो जैसा कि एक अलर्ट जारी किया गया है कि होल उत्तर प्रदेश के लिए कि एवरेज 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, और जो रेनफॉल है वो जगह जगह अलग अलग स्थानीय स्तर पर है। जैसे पूर्वी में लगभग 25 से 30 मिलीमीटर रेनफॉल है पूर्वी यूपी में, और इधर कानपुर जो हमारा एरिया है यहाँ ये है कि 4 और 5 में 10 मिलीमीटर रेनफॉल की संभावना है। तो इससे ये है कि मतलब जो है जो हमारा मतलब जो है बीच का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो है इस तूफान का कोई खास असर नहीं होगा। केवल बस ये है कि जो गेहूं की फसल है जो किसानों की खेत में पड़ी हुई है या तो खलिहान में पड़ी हुई है उसके लिए जो है नुकसान है किसान। बिल्कुल, उनको जरूर थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इजराइल, आपका स्वागत है कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी मैम नमस्कार जी, कहिए। हाँ मैं ये कहना चाहता था कि सरकार को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए था किसान को राहत देने के लिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। झारखंड से एक दर्शक आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आयुष जी, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए संपर्क टूट गया है, आपके पास आते हैं आरके सप्पर जी। अगर तटीय इलाकों की बात करें तो तटीय इलाकों में जो आबादी बसी हुई है ऐसे हालात में उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए? तटीय जो इलाके हैं जो आबादी है ये इन लोगों को निरंतर हम लोग प्रशिक्षण देते रहते हैं, और हम लोग इस बात का प्रशासन चिन्हित रखता है कि यदि कोई इस तरीके का हादसा होने की कोई नौबत आ जाए तो आसपास के कौन से स्कूल कॉलेजेस या धर्मशालाएं हैं वो यहाँ पर इनके लिए हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, और तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ की टीम, हमारे रेड क्रॉस की टीम, सिविल डिफेंस की टीम इसके ऊपर लग जाती है और उन लोगों को जो है उस इलाके से के वहां पर एक दफे स्थापित कर देती है। मेरा ये मानना है, लोगों से ये अपील है कि आज और कल कम से कम रोड की यात्रा है वो कम से कम करें, अनावश्यक रूप से घूमने के हिसाब से कि मौसम बहुत अच्छा है और लेकिन ऐसा मत करें कि उसके लिए वो रोड की, क्योंकि अगर तेज हवा चलेगी हो सकता है कि कोई भी पेड़ उखड़ के, पुराना पेड़ हो वो उसके ऊपर गिर जाए, बिजली की तारें हाई टेंशन तारें हैं वो टूट के गिर जाएं, या मतलब जो है वो कोई और चीज टीन वीन उड़ के गाड़ी पे आ जाए उनके ऊपर आ जाए, तो वो कम से कम यदि आवश्यक हो तो वो अपने काम विशेष काम से जाएं, सैर सपाटा और मौज मस्ती के लिए वो जब तक ये अलर्ट वापस नहीं हो जाता है जब तक वो अपने घर में सुरक्षित रहें, यही एक बहुत बड़ा हुआ है। दूसरी चीज पानी और बिजली की समस्या भी हो सकती है, बिल्कुल कानपुर शहर में अमूमन बहुत तेज जब पानी बरसता है तो बिजली की समस्या भी हो जाती है, पानी की समस्याएं भी हो जाती हैं, तो उसके लिए पानी का अपना जो है समुचित संचय अपने पास में रखें जिससे कि यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उनको कोई परेशान ना होना पड़े और शिकायत नहीं करना, क्योंकि इसके लिए प्रशासन अपनी पूरी कमर कसे हुए है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो जाती है। तीसरा, अपने घर में एक टार्च जरूर एक अपने पास बना के रखें जिससे कि कभी कभी अंधेरा हो जाए, कोई बात हो जाए या कई दफे आंधी ऐसी आ जाती है कि दिन में रात जैसा हो जाता है तो वो उस टार्च के मदद से वो एक अपने को अपना अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। बिल्कुल,
सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम और किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, इस चीजों का ख्याल रखा जाता है आपकी तरफ से। जौनपुर से एक दर्शक मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप लोग बड़ी अच्छी चेतावनी दे रहे हैं सब लोगों को जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सूबे की गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या हमारे तीनों मेहमान कुछ बता सकते हैं? चलिए बिल्कुल, ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि अगर किसी का नुकसान होता है तो शासन स्तर पर क्या इसकी भरपाई की जाएगी। एक दर्शक और हमारे साथ आकाश कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। आकाश जी धन्यवाद, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका चैनल किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर लाकर लाया कि किसानों को कुछ जानकारी मिलेगी जी। और मुझे क्या, मैं अपनी राय देने के लिए आपके पास मौसम वैज्ञानिक के सचिव भी बैठे हैं, मौसम वैज्ञानिक महानिदेशक भी बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसानों को जैसे गेहूं खड़ा हुआ, गेहूँ किसी कट चुका है, भूसा जैसे बारिश हो जाती है तो भीग जाता है और रोडों में जैसे खंभे लगे, आंधी आई तो बिल्कुल, इससे इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं लखनऊ स्टूडियो का, हमारे साथ भरत राज सिंह जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक। भरत राज जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं जिनमें चक्रवाती तूफान के आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और उन्हें तरह तरह के नाम भी दे दिए जाते हैं। इससे पहले तितली का जिक्र सुना होगा आपने, तितली का, और इसके बाद अब फैनी। आवाज नहीं आ रही। भरत राज जी, आपसे हमारा सवाल था हाँ, कि ऐसी क्या कंडीशंस बन जाती हैं जिसके चलते जो चक्रवाती तूफान हाँ, है उनके आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और उन्हें तरह तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे कि फानी और फैनी को लेकर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले एक नाम सुना होगा आपने, तितली। देखिए ये तो वैज्ञानिकों ने एक जगह से जहां से स्टार्ट होता है और जहां पर आग जाके टकराता है उनके बीच के स्थिति को देखते हुए ये नाम का नामकरण किया जाता है। अभी ये फाइनी और ये सब नाम जो दिए गए हैं ये हमारे काल से सांप के फन के तरीके से होने का ये है, उड़ीसा में टकरा रहा है, तो ऐसा एक नाम का कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता और इन सब के मेरा एक जो सुझाव है गवर्नमेंट को, देखिए ये अब ये सोचना कि तूफान आगे नहीं आएगा, मेरा अपना स्पष्ट मत है क्योंकि मैं इस पर बड़ी रिसर्च 2005 से कर रखा हूं और पहले भी इसकी भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं, डाटा के हिसाब से मैंने पहले भी ये अमेरिका से लेके भारतवर्ष तक को मैंने इसको सूचित कर रखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ तूफान जो कहते हैं कि तूफानों की संख्या वो हर साल बढ़ती जाएगी और इसकी गति भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से इस आकस्मिक विपदा के लिए फंड कर फंड देखिए इसका ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरे विश्व के लोग लगेंगे, पेड़ पौधे आप देख रहे हैं कटाई सब हो गई, ग्रीन कवरेज बहुत कम हो गया है, आप जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये और स्थिति ये है हमारी। एक छोटी देखिए किताब है जो क्रोशिया में छपी हुई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये इसमें इस यहां तक अंकन किया गया है कि आने वाले किसी सदी में क्या होने वाला है, ये हमने कैलकुलेशन सेकेंडरी डाटा से निकाला है। बिल्कुल, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांदा से, उनकी राय जान लेते हैं। रघुनाथ जी जुड़े हुए हैं बांदा से, एक दर्शक स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। मैडम मैं ये कह रहा हूँ जी, ये दैवी आपदा अचानक आती है, बहुत लोगों का मतलब तबाह हो जाते हैं, सरकार को कम से कम इनको प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपया देना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रेहान एक दर्शक मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। सलाम अलैकुम जी।
मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसका यूपी में मुरादाबाद की साइड कितना असर पड़ेगा और ये कब तक कब आएगा ये? बिल्कुल यही इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रिहान शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी भरे राज जी, क्या आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा हैं? हाँ देखिए, हाँ जी हाँ, ये बढ़ती, अभी ये ज्यादा बढ़ती है क्योंकि अभी इस पर जितने प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं ये कहीं भी कंट्रोल नहीं है। इसको मैं बहुत स्पष्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट देख लिए सब, उन्होंने 2015 में कहा था कि हमने इसको स्थिर कर देंगे, नहीं हो पाया। और ये आने वाला 2030 तक बहुत कम शब्दों में एक चीज और जानना चाहेंगे, तो इसकी वजह क्या? मेरा एक सुझाव है गवर्नमेंट को, एक आपदा राहत आप उसे देखिए, मैंने वही बेसिक पॉपुलेशन है, पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाई जा रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, पेड़ की कटाई हो जाए, ट्रांसपोर्ट दो फैक्टर हैं सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज अनाप शनाप तरीके से इनके डेवलपमेंट किया गया, और दूसरा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई जिससे हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। तो अगर आपके ध्रुव के सारे बर्फ ही पिघल जाएगी आने वाले कुछ दशकों में, आपको बर्फ कहीं होगी नहीं, तो हालात कहाँ क्या होगा? समुद्र की सतहें बढ़ेंगी या उसका वेपराइजेशन हो करके आसमान में सारे वेपर्स तैयार हो जाएंगे, आज ये स्थिति है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें आपदा राहत कोष और सतर्क, जैसे हमारे यहाँ अभी बैठे हुए हैं सचिव साहब हैं, और मेरा ये मानना है हमें जो अभी दो दिन पहले की सूचना है हमारे पास, आप इतने संयंत्र हो गए हैं, इसरो के हो गए हैं, हमें इसको करने के लिए आगाह करने का प्रयास पहले करना चाहिए। आज कोई कृषक अपनी कटाई नहीं कर सकता, आज कोई कृषक इसका, इसका, इसका जवाब आरके सफर जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमर झारखंड से जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। आते सर आपके पास स्वागत है आपका। डॉक्टर अमर जी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये सब कहर जहाँ तक कहर का सवाल है ये कुदरती है। बिल्कुल। और आप देख के जब हमारा सरकार नास्तिक हो गया, इतने बड़े आस्था का केंद्र में जा करके जब वो राम भगवान के मंदिर में नहीं गया तो समझिए वो आस्तिक नहीं बल्कि वो नास्तिक हुए। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मोतीलाल एक दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं मोतीलाल जी। हाँ जी मैडम, जो पूछ रहे थे झारखंड में इसका कितना असर है और इस तरह की आपदाएं हमेशा आती है, इसका हम वो वैज्ञानिकों से पूछना चाहेंगे तरह का क्या दूरगामी कोई उपाय या फिर बिल्कुल दूरगामी उपाय को लेकर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फानी के कहर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसको लेकर हम इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि अगर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बात की जाए तो उनका ये मानना नहीं है कि उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश होने की संभावनाएं जरूर मौसम जता रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश वासियों को, थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। आपके पास आते हैं आरके सफर जी, अगर देखा जाए तो क्या हमारे पास ऐसे संयंत्र मौजूद हैं जो ऐसी आपदाओं से निपटा जा सके? निश्चित तौर से जो हमारी एनडीआरएफ टीम है उनके पास में हमारे अति आधुनिक उनके पास संयंत्र हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षित हैं। हमारे सिविल डिफेंस के, हमारे रेडक्रॉस के लोग वो भी पूरी तरीके से आपदा से निपटने के लिए तैयार और सक्षम हैं। मेरा एक ही मानना है, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों से। एक तो प्रशासनिक हर व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कैसे होती है वो आनी चाहिए, क्योंकि पहले वो लोग वहीं पे पहुंचते हैं और यदि उनको प्राथमिक चिकित्सा का उपचार मालूम है, क्योंकि कहा जाता है पहले 30 मिनट गोल्डन आवर के रूप में जाने जाते हैं, यदि 30 मिनट में हम किसी की जान को बचा लें, अगर किसी को फर्स्ट एड दे दें तो उसकी जान पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो प्रशासनिक हर व्यक्ति को, पुलिस के या प्रशासन के हर व्यक्ति को
प्राथमिक चिकित्सा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, स्कूलों में पाठ्यक्रम में प्राथमिक चिकित्सा का पाठ निश्चित तौर से वो एक पढ़ाया जाना चाहिए और उसके ऊपर बकायदा उसका एक टेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, नदी के किनारे जितने लोग हैं, मैं समस्त समाज सेवियों से अपील कर रहा हूँ, गंगा सफाई के साथ साथ वो नदी के किनारे जितने भी नदी के किनारे हैं वहां पर पेड़ जरूर लगाएं। यदि वहां पर वो वृक्षारोपण करते हैं तो निश्चित तौर से बाढ़ की स्थिति आने में वो जरूर उसको जो है कहीं ना कहीं रोकेंगे और साथ ही पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा आना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एहतियात बरतना सब लोग जानते हैं, हमने बताया भी कि एहतियात आपको क्या बरतना है, कैसे करना है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का भी जो एक बहुत बड़ा पूरे संसार में एक बहुत बड़ा एक विषय है कि पर्यावरण अगर ठीक होगी तो इस तरीके की आपदाएं आएंगी लेकिन कम आएंगी, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। बिल्कुल, तो उस आपदाओं को रोकने के लिए हम लोग समाज सेवी लोग, यहाँ के लोग, सब काम सरकार नहीं कर सकती है, बिल्कुल निश्चित। हालांकि सब्जेक्ट भी है, पर्यावरण को पढ़ाया भी जाता है, सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है और बताया भी जाता है। आपके पास आते हैं नौशाद खान जी, अगर देखा जाए तो क्या, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोई खास असर आपने कहा पड़ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल जहन में उठता है कि क्या तेज हवाओं के साथ साथ भूकंप आने की भी संभावना है? मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि भूकंप आने की कोई किसी तरह की संभावना है, क्योंकि अब ये जो हमारे तटीय इलाके हैं इस फैनी तूफान से प्रभावित हुए, और चूंकि इसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो इसका असर यूपी के पूर्वी भाग से होते हुए ये हमारे सेंट्रल में ज़्यादा, इसका पूर्वी में ज़्यादा रहेगा और इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो जो यहाँ की कानपुर की सिचुएशन है कि मतलब जो है यहाँ जो हवाएं हैं वो जैसे आज की बात है तो आज तो ज़्यादा हवाएं नहीं है, आज 10 से 12 किलोमीटर जो नॉर्मल हमारी हवा की गति है उससे 5-6 किलोमीटर ज़्यादा है थोड़ा सा, और कल जो है वो ये है कि 15-20 किलोमीटर तक भी, मतलब जो एक संभावना है वो ये है। और दूसरी बात, 10 मिलीमीटर बारिश और प्रदेश के और जनपदों में, जैसे कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है 30 मिलीमीटर तक भी है, इधर हरदोई सीतापुर में है। समय कम है भरत राज जी, दो शब्दों में फाइनल कमेंट आपका जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में मौसम का जो मिजाज है वो कैसा रहेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं? नहीं आ रही जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना था भरत राज जी, क्या आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं? मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? हाँ, देखिए आने वाले समय में अगले साल भी इस गर्मी इससे ज्यादा होगी, और अब मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जो अभी चर्चा हो रही थी, आपने ही खुद प्रश्न उठाया कि क्या ये कहीं भूकंप की संभावना है, मेरा ये कहना कि पृथ्वी के गति में भी जो 24 घंटे में है उसमें भी कमी आई है, मेरी ये किताब है इसमें भी है और नासा ने इसको प्रूव किया है कि 0.04 सेकेंड पृथ्वी की गति में कमी हो चुकी है। तो अगर कमी ऐसी होती जाएगी तो भूकंप की फ्रिक्वेंसी जो है, पहले जो 15-20 थी, इस समय 35 से 50 हो गई है हर साल। ये प्लेस तो अपने जगह जगह होते रहेंगे, लेकिन ये भारतवर्ष अछूता नहीं है ये, इसलिए हमें इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर वर्ष के लिए तैयार हमें पहले से रहना चाहिए। जैसा अभी सचिव जी ने बताया, कट साहब ने, कि हमें जितने समुद्री क्षेत्र के लोग हैं उनको पहले अलर्ट कर देना चाहिए, दूसरे मौसमी जितनी भी चीजें हैं उनकी तैयारी, जैसे अब फसल कटाई और इसके एक अलर्ट अगर पहले से होता तो ये शायद हमारे इतने बड़े नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती।
तो हमें इन सब के लिए आने वाले समय के लिए और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं कि अगले साल कम हो जाएगा, अगले साल ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है और ये पूरे उसमें, और इसका असर मैं एक छोटा सा एक वो दे करके अंतिम हम आपको बताते हैं कि एक हमने 2015 में पुस्तक में लिखा था पाइन आइसबर्ग का एक टुकड़ा टूटेगा, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको नहीं माना, लेकिन ये 2017 में 12 जुलाई को टूटा और 5800 वर्ग किलोमीटर का है और 950 की उसकी वो थी जिसमें 650 समुद्र में था, 350 थी। ये चीजें, ये हैपनिंग चालू हो चुकी है और आने वाले समय में होती रहेंगी। हमें के जैसे जापान जैसे देश अगर वो अपने घरों पर कोशिश कर रहे हैं, घरों को उन्होंने ऐसे बना रखा है कि वो भूकंप सहन कर सकते हैं, अमेरिका जैसे करा, हमें इसके लिए गवर्नमेंट को सतर्कता बरतनी पड़ेगी, लोगों को और स्ट्रिंजेंट नियम बनाने पड़ेंगे, लोगों को तैयार करना पड़ेगी कि विपत्तियां आने वाली हैं। जब तक कि पर्यावरण दोस्त नहीं होगा, पहले से अलर्ट जारी करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरके सफर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही भारत राज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इसको जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। अगर इससे सुरक्षित और महफूज रहना है तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होगा। इसी के साथ सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। जब पशुओं को मिलेगा कपिला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार।